आप पैसिफिक मॉल में तो बहुत बार आए होंगे, बट क्या पैसिफिक मॉल ये कब स्टार्ट हुआ था और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी या अंदर कितने कितने आउटलेट्स हैं जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ पूरी इस मॉल की और आपको बताने वाली हूँ अंदर कौन कौन से आउटलेट्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ताकि आप आएँ तो आपको ईजिली फाइंड कर लें और शॉपिंग भी कर लें अच्छे से। दिस इज़ सुमन फ्रॉम भारत जर्नी, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। कैसे हैं आप सर? सो आज मैं आ गई हूँ एक ऐसी जगह दिल्ली की जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस मॉल है, और ये है सुभाष नगर में, शायद आप लोग जानते होंगे। ये है पैसिफिक मॉल और आज मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आई हूँ पैसिफिक मॉल को। आप लोग मोस्टली आए हुए होंगे यहाँ पर, बट मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ इसके बारे में, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरे पीछे बिल्कुल स्टारबक्स है, कॉफ़ी हाउस, तो आप पहले आके यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं, उसके बाद आप अंदर जाइएगा। पहले थोड़ी पेट पूजा, बाद में काम दूजा। और अब मैं एक फैक्ट इसका बारे में बताने वाली हूँ आपको। ये जो पैसिफिक मॉल है, इसकी जो चेन थी वो 1978 में स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं, चाहे वो आप कैनेडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, सिडनी जाइए, सिंगापुर जाइए, तो आपको ये चेन वहाँ पे, ये पैसिफिक मॉल आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये छोटा सा आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है जो कि अभी बंद है। तो एंटर होते ही आपको ज़ारा का शोरूम मिल जाएगा यहाँ पर। ये स्टारबक्स है जो कि बाहर भी था और अंदर भी है। ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको पूरा ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं, वो चाहे कलर बार है, कलर सेंस है एंड रेवलॉन है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, आपको उनके आउटलेट्स दिख जाएंगे। तो ब्यूटी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये मॉल थ्री फ्लोर में डिवाइडेड है, तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ। एक बेसमेंट बनी है और दो ऊपर बने हुए। सो अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं बताने वाली हूँ आपको सेकंड फैक्ट्स, वो ये है कि यहाँ पे ब्रांड जो है वो 300 प्लस आउटलेट्स हैं, ब्रांड आउटलेट्स। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ब्रांड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। और फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो 28 प्लस आउटलेट हैं यहाँ पर। और अगर मैं फुटफॉल की बात करूँ तो वो मैं आगे बताती हूँ आपको। आ गई हूँ मैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे लुक्स सैलून, मार्केट 99, होम सेंटर, टाइम जोन, और ये सामने है फूड कोर्ट जिसमें हल्दीराम मुझे शो हो रहा है। ये मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको लुक सैलून मिलेगा और किड्स के लिए गेमिंग जोन है। दिस इज़ मार्केट 99। तो ये 99 में आप काफ़ी कुछ परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ गेम जोन और ये खुला है, अगर आप अपने बच्चों को लेके यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, किड्स जोन खुला रहा है।
हैप्पी वुमेन किड्स जोन के लिए किड्स के लिए खुल चुका है। अगर आप सौंफ वगैरह आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, ये मार्केट 99 के बाहर ही है और 60 वैरायटी इनके पास मिल जाएगी, तो आप श्योर आइएगा यहाँ पर। ये गाइस 200 ग्राम की पैकिंग है और ये 80 रुपीज़ में मुझे मिला है, तो मैंने ये लिया 80 रुपीज़ में। तो आप गाइस अगर अपने किड्स के लिए कुछ टॉयज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, मार्केट 99 के बिल्कुल बाहर आइए और ये इनका छोटा सा आउटलेट सा बना हुआ है और 50% ऑफ चल रहा है, तो आप आइए। और इनकी जो शॉप नेम है वो इम्प्रेशन टॉयज़ है। और ये दिखाइए आप क्या है, ये बबल गन है जो कि बच्चों को आजकल बहुत पसंद आती है ये। हाँ कितना कार्स में अलग अलग वैरायटी इनके पास। ये ट्रांसपेरेंट कार है जिसमें ये म्यूजिकल है। इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, आप यहाँ पे आकर परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए गन है, छोटी सी शॉप में कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ रखे हुए हैं इन्होंने, तो आप आइए और यहाँ पर परचेज़ कीजिए। ये मैं आई हूँ मार्केट 99 में और शायद तो यहाँ पे सब कुछ 99 के अंडर में ही मिलता है। आ चुकी हूँ बाहर और पहले तो मैं आपको करंट अपडेट बताती हूँ, उसके बाद बताऊँगी मैं थर्ड फैक्ट। करंट अपडेट ये है कि अंदर चलान कट रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए। मैं मीन्स अगर मास्क आप नीचे करेंगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी, तो भी यार आके वो चलान काट रहे हैं और 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इवन मेरे सामने भी लोगों ने दिए हैं, पे किए हैं बेचारों ने। तो यार फ़ोटो खिंचवाने से तो अच्छा है मास्क ऊपर कर लो और अपनी सेफ्टी भी है इसमें। बट हाँ यार फ़ोटो तो क्लिक करने के लिए कर सकते हैं ना ये लोग, इतना तो कर सकते हैं, बट नहीं बख्श रहे यार, वो 2,000 रुपये के चलान कट रहे हैं। तो मैंने कोई फ़ोटो क्लिक नहीं की है और मुझे तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं मेरा ही चलान ना काट दे। और अभी तो मैं बाहर खड़ी हूँ तो भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं आगे पता लगे मेरा ही चलान कट गया। सो गाइज़ अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ मतलब पूरा वियर करें नोज तक। और यहाँ का थर्ड फैक्ट क्या है, ये थर्ड फैक्ट ये है कि डेली की इनका जो फुटफॉल है यहाँ का पैसिफिक सुभाष नगर का 50,000 प्लस लोग यहाँ विज़िट करते हैं डेली के, तो ये थर्ड फैक्ट था। और गाइज़ अगर आप आना चाहते हैं हैंग आउट के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली किड्स के साथ, तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का बहुत ब्यूटीफुल मॉल है और सारे आउटलेट्स आपको मिलेंगे शॉपिंग के लिए। और आप किड्स सेक्शन खुल गया है, गेम जोन खुल गया है ऊपर, तो आप अपने किड्स को भी इंजॉय करवा सकते हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आइए विज़िट कीजिए। और मेरे व्लॉग अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई ऐसा प्लेस है जो आप चाहते हैं मैं विज़िट करूँ तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिए मेरे कमेंट में, मैं ज़रूर वहाँ पे विज़िट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब चलते हैं, शब्बा खैर, बाय बाय बाय।